कम है और ऊपर की साइड इसकी विड्थ ज्यादा है। अब इस टाइप के हैवी लोड्स रखे गए हैं कोई बात जैसे ये आरसीसी वाला सेगमेंट है, इसमें यहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं इस बिल्डिंग के लिए। अब इस बिल्डिंग में क्या है कि क्रैक्स आ रहे हैं, तो एक बार चलो पहले ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। अब इस बिल्डिंग में चार ग्रिड है, एक दो तीन और चार। अब ये चौथी ग्रिड है, इसका जो कॉलम है कस्टमाइज है, मतलब नीचे इसकी विड्थ कम है ऊपर इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये टीबी सेगमेंट में आता है। आप इसमें एग्जिस्टिंग एक आई सेक्शन था जिसके अंदर एक एडिशनल आई मिला के इसको टी बनाया गया है। तो ये पूरे इसका लेआउट है, इसमें दो क्रॉस ब्रेसिंग है, तो 100 है, तो पाइप की एक तो ये एक आगे वाली। आप इसमें सिर्फ जो मेन बीम्स है वो लेफ्ट टू राइट कनेक्टेड है और बीच में सेकेंडरी बीम्स कनेक्टेड है। सेकेंडरी बीम कनेक्टेड है अब ये वाला इसका सेगमेंट देखिए, इस कॉलम के साथ इसका पेडेस्टल का बेस है और उन कॉलम्स के साथ उसको बीम के ऊपर रेस्ट कर दिया गया है और सेंटर वाले कॉलम को स्लैब के ऊपर रेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं, वो मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। देखिए इस टाइप के एक कॉलम को रेस्ट किया गया है ऊपर जो बीम के ऊपर रेस्टेड है। इधर आओ, इस तरीके के कॉलम के ऊपर बीम के ऊपर ही रेस्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से बीम ऊपर वाले फ्लोर में क्रैक्स आ रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट में स्कोप यह है कि पुराना स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर क्लाइंट ने काफी हैवी लोडिंग रख दी है। एक बार आइए मैं आपको ऊपर से इसकी लोडिंग दिखा देता हूँ और तब आपको क्लियर होगा क्या प्रॉब्लम थी। कोई बात नहीं, हाँ 10 ठीक है, 10 mm। अब छोटे वाले का हाँ बता दो। देखिए ये हमारा बिल्डअप कॉलम है जिसमें एक ही आई सेक्शन है, इसके साथ ही आई को मिला के टेपर्ड फॉर्म में बिल्डअप बनाया गया है। देखिए इसके नीचे विड्थ कम है और ऊपर की साइड इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये टीबी सेगमेंट का कॉलम है, ये इसका मेन पर्पस ये है। एक्चुअली इसमें सेंटर कॉलम को एलिमिनेट किया गया है, सेंटर में कोई कॉलम नहीं है और इसका स्पैन 12 meters है। जबकि आप राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में सेंटर में कॉलम्स है, तो बस इस पर्पस की वजह से बीम को हैवी किया गया है, इस कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है ताकि इतना लोड कैरी कर सके। अब चलो ऊपर आराम से आना, पैर फिसल रहा है, मेरा तो जूता फिसल रहा है। अभी से ऊपर जाके हमने लोडिंग रख लिया, यानी से सर इसको देख के आना, इसको इसको रखे गए हैं। एक मोटर राइट में, एक मोटर लेफ्ट में। ये सक्शन मोटर है जिसमें काफी वाइब्रेशन है और इसमें देखिए वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बेरिंग पैड्स भी है। भाई ऐसे ही 1 2 3 4 लेफ्ट में 4 और सेम राइट में 1 2 3 4। अब देखिए इन वाइब्रेशंस की वजह से ये आरसीसी वाला सेगमेंट है, इसमें यहाँ पे आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे। लोडिंग थी या आपका आरसीसी वाला सेगमेंट है, इस टाइप के क्रैक्स थ्रू आउट स्पैन आ रहे हैं, मतलब आपका ये वाली स्लैब राइट में सैग हो रही है, वाली लेफ्ट में हो रही है, बीम आइसोलेट हो रही है। ऐसे आप आगे आइए, इसी टाइप के क्रैक्स आपको थ्रू आउट स्लैब दिखेंगे बिकॉज इन वेट्स की वजह से।
इस वेट की वजह से पूरी सैगिंग हो रही है इस, और आगे वहाँ से रिकॉर्ड करते हुए आ जाए ये वाला। बस इधर आप देखो, देखिए ये जो क्रैक्स है इसका हमने यूएसपी भी टेस्ट किया है, और ये जो हैवी इक्विपमेंट्स है जिसकी वजह से ये स्लैब सैग कर रही है, बिकॉज एक तो ये आरसीसी के ऊपर है, प्रॉपर इंजीनियरिंग टेक्निक्स नहीं लगाई गई है। अब इसको हमें ऑडिट करना है, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअली है कितनी, कितना लोड रखा हुआ है, एंड देन इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, ये हमारा इस प्रोजेक्ट का स्कोप है।